शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची एनसीबी की टीम। एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर भी एनसीबी की रेड। शाहरुख खान जहां पहली बार अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे जेल, उसके बाद पहुंचे घर और फिर शाहरुख के पीछे मन्नत पहुंची एनसीबी की टीम। खबरों की माने तो शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची एनसीबी ने ऑर्थर जेल में बंद आर्यन खान से जुड़ी कई जानकारियों की मांग की है। एनसीबी की नोटिस में आर्यन खान के एजुकेशन समेत अन्य चीजों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स परिवार से मांगे गए हैं। आर्यन खान के मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही अगर कोई वो दवा लेते हैं तो उसकी जानकारी देने को भी कहा गया है। इसके अलावा विदेश में जहां जहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं। वही एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर भी पहुंची एनसीबी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी की टीम अनन्या के घर से कुछ सामान भी साथ लेकर गई है। खबरों की माने तो अनन्या पांडे के मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है, इसमें आर्यन खान के साथ की गई चैट की जांच की जाएगी। बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सुनवाई करते हुए 20 अक्टूबर को मुंबई सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आर्यन खान के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने इस केस की सुनवाई 26 अक्टूबर यानी 5 दिन बाद करने का फैसला किया, यानी आर्यन खान को 5 दिन और जेल में ही बिताने होंगे। खैर, एनसीबी का इस मामले में रुख काफी कड़ा होता दिख रहा है और वो किसी भी तरह से इस केस के तह तक पहुंचने में जुट गई है। और अब एनसीबी की धमक शाहरुख खान के मन्नत पर भी दस्तक दे चुकी है। अगर एनसीबी को कोई जबरदस्त सबूत या सुराग हाथ लगता है तो और कई बड़े स्टार्स भी आ सकते हैं जांच के घेरे में। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।